नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कबीरदास जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। आज प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी के पदों में गुरुदेव को अंग इस शीर्षक से हम जो है इस पदों की व्याख्या को हम करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अलग अलग आपके अंग है वो दिए गए हैं, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, तो इस प्रकार से हम ये अंगों के रूप में इन पदों की व्याख्या को साखियों को पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला पद हम लेते हैं हमें कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार कि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत साखी। ये क्या है साखी, तो प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग नाम से उद्गृत है और इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन है वो किया है। किसका वर्णन है, गुरु की महिमा। नाम से यहाँ पर गुरुदेव के बारे में ही बताएंगे तो गुरुदेव की महिमा का वर्णन है, महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये आप अब आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की, जो सतगुरु है ज्ञान गुरु, सतगुरु सत्य गुरु, ठीक है ना, जिसको हम सतगुरु बोलते हैं, तो सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत महिमा है, असीम है। और अनंत किया उपकार, अनंत माने अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं हो, अनगिनत उपकार किए हैं, किस पर, शिष्य पर, साधक पर उपकार किए, माने उपकार किए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने नेत्र, नेत्र कौन, ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, अनंत उघाड़िया माने अनंत दिशाओं में खोल दिए हैं, अनंत दिशाओं में ज्ञान रूपी नेत्र उघाड़िया मैंने खोल दिए हैं। अनंत दिखावणहार, अनंत मैंने परमात्मा, तो यहाँ अनंत अनंत शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, दिखावणहार मैंने परमात्मा को दिखाने वाले हैं, परमात्मा का दिखाने वाले हैं, परमात्मा से साक्षात्कार करने वाले हैं। अब इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार। तो सतगुरु की महिमा अनंत है, कबीरदास जी कहते हैं जो सच्चा गुरु होता है उसकी महिमा वो है अनंत है। सतगुरु की, गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है उसकी महिमा अनंत है, अपार है, असीम है। और वह गुरु, जो सतगुरु है, वो अपने शिष्यों पर अगणित उपकार करता है, जो गुरु है वो अपने शिष्यों पर अगणित उपकार करते हैं, और वह भी बिना किसी कामना के निर्ब्याज रूप से, बिना किसी ब्याज के और निष्काम भाव से अपने साधक को, अपने शिष्य साधक जो है उसके ऊपर उपकार करते हैं, उस पर कल्याण करते हैं। ऐसी पवित्र भावना भर करके वह रात दिन शिष्यों पर अहेतु की कृपा करते रहते हैं, बिना किसी हित की, बिना किसी कारण ही। सतगुरु है, जो सच्चा गुरु है, सतगुरु है, और उसका जो सच्चा शिष्य है उस पर गुरुदेव, गुरु है वह सदैव ही कृपा करते रहते हैं। तो सतगुरु की महिमा अनंत, तो सच्चा गुरु है, सतगुरु है, उसकी महिमा अनंत है, असीम है। और अनंत किया उपकार, वह अपने साधक शिष्यों पर, गुरुदेव है वह अपने साधक शिष्यों पर अनंत असीम उपकार करते रहते हैं, निष्काम भाव से रात दिन गुरुदेव है वह शिष्यों पर उपकार करते रहते हैं। अगली पंक्ति देखिए, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। प्यारे विद्यार्थियों, वह गुरुदेव जब कृपा करते हैं या गुरु की महानता की कृपा इस बात से रखते हैं कि वे हमारे, हमारे यानी या जो शिष्य साधक है उन शिष्यों के जो है ज्ञान नेत्रों को अनंत दिशाओं में खोल देते हैं, चारों दिशाओं में उनके ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। तो लोचन अनंत उघाड़िया, कौन से लोचन, ज्ञान रूपी नेत्र है वो खोल देते हैं, कौन, अपने प्रवचनों से, अपने अच्छे वचनों से, गुरुदेव अपने उपदेशों से,
साधक के जो शिष्य हैं उसके ज्ञान रूपी नेत्र है वो अनंत दिशाओं में उगाड़िया मैंने खोल देते हैं। तो लिख दोगे आप जो है ज्ञान रूपी नेत्र है वो अनंत दिशाओं में खोल देते हैं और अनंत दिखावणहार। और जब ज्ञान रूपी नेत्र जब खुल जाते हैं रोम रोम में जो है ज्ञान हो जाता है अनंत नेत्रों से वह परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन वो करने लग जाते हैं। ठीक है, अनंत दिखावणहार जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ज्ञान नेत्र जब खुल जाते हैं तो वह साधक शिष्य जो है परमात्मा से साक्षात्कार कर पाता है। तो इस प्रकार सतगुरु है वो उस अनंत से साक्षात्कार कराने वाले हैं, उस अनंत यानी परमात्मा से परम ब्रह्म से साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव की महिमा बड़ी अनंत है और गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वही वास्तव में आंखें खोल देने वाला होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने गुरु की जो असीम महता असीम कृपा है उसका उल्लेख यहाँ पर इस साखी में बड़े गदगद कंठ से उन्होंने किया है, क्योंकि गुरु बिना जो है घोर अंधेरा है, गुरु बिना घोर अंधेरा रे साधो भाई, गुरु बिना घोर अंधेरा। सतगुरु है वही साधक के ज्ञान चक्षुओं को खोलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को आपकी व्याख्या समझ में आई होगी। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि उपनिषद में ज्ञान के कारण और ज्ञेय या ज्ञान की अवधि इन तीनों की अनंतता का उल्लेख वो मिलता है। उपनिषदों में भी ज्ञान की और ज्ञेयता की और ज्ञान की अवधि की इन तीनों की उल्लेख वो मिलता है या विशेष में लिख देंगे या ज्ञान रूपी जो इस यही जो तत्व है वो कबीरदास जी को भी मिला है। कौन सा? ज्ञान का, परमा गुरु की कृपा का। तो गुरु की कृपा के बारे में कबीरदास जी ने जो है सरल शब्दों में यहाँ पर भावना व्यक्त की है और यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अनंत अनंत शब्द में क्या है? अनंत अनंत शब्द में जो है यमक अलंकार है। ठीक है, क्या है? यमक अलंकार। एक अनंत में तो देखिए यहाँ पर असीम अपार, पहले अनंत का तो अर्थ हो गया असीम अपार और दूसरे अनंत का अर्थ हो गया यहाँ पर अगणित अनगिनत और तीसरे अनंत का मतलब परमात्मा। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ हो गए तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गए। अलग अलग शब्द है, एक ही शब्द का मतलब अलग अलग शब्द है, शब्द तो एक जैसे ही हैं लेकिन अलग तीन जगह है यहाँ पर है तो वहाँ पर तीनों के अलग अलग अर्थ हैं तो वहाँ पर ये यमक अलंकार हो गया। और अनुप्रास अलंकार है ही है तो अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है और भाषा सदुकड़ी है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, पैर भी समझ में आ गया। आप अगला पद देखते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोषिए होस रही मन माही कबीरा होस रही मन माही। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई और क्या ले गुरु संतोषिए होस रही मन माही। कबीरदास जी इस पद में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी द्वारा रचित साखी गुरुदेव के अंग शीर्षक से उद्गृत है और इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का उल्लेख किया है और अपने सरल शब्दों में गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, पटतरे मैंने समतुल्य या उसके बराबरी, राम नाम की बराबरी की वस्तु कोई नहीं है। देबे मैंने देने को मैंने को, कछु मैंने कुछ, ना ही मैंने नहीं है, राम नाम के बराबर कुछ वस्तु देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी कि ऐसी क्या चीज़ दूँ, गुरु शिष्य मन में संकोच कर रहा है कि ऐसी क्या चीज़ दूँ जिससे गुरु को संतोष हो। होश रही मन माए, ये उसके मन में होश रहती है या शंका जिसको कहते हैं संकोच, शंका संकोच रहती है मन में कि क्या ऐसी चीज़ दूँ जिससे मेरे गुरु प्रसन्न हो जाए। मन माही मन मन में, ये किसके मन में? शिष्य के मन में, शिष्य के मन में, माही मन में, शिष्य के मन में संकोच रहती है कि कैसे मैं गुरु का बदला ऋण है वो चुकाऊंगा। तो देखिए, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाई, शिष्य को गुरु के द्वारा राम नाम रूपी बहुमूल्य जो वस्तु दी गई है, शिष्य को गुरु क्या देता है? राम नाम रूपी बहुमूल्य वस्तु। गुरुदेव ज्ञान देते हैं, राम नाम की महिमा का बखान सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, तो राम नाम की बहुमूल्य वस्तु को देते हैं और गुरु के प्रति जो शिष्य हैं वह बड़ा कृतज्ञ भाव अर्पित करने चाहता है,
अनुभव करता है कि मुझे गुरु ने राम नाम रूपी बहुमूल्य वस्तु दी है, लेकिन वह इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त तो कर लेता है, उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में उनको भेंट स्वरूप गुरु को कुछ देना चाहता है शिष्य, लेकिन उसके मन में ये उलझन रहती है, ये संकोच होता है कि क्या ऐसी वस्तु दूँ जिससे गुरु प्रसन्न हो जाए। तो गुरु तो राम नाम को ऐसा अमूल्य मंत्र उसने गुरु जी ने दिया है जिससे मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे दुर्लभ ऐसे बहुमूल्य वस्तु को देने पर संसार में गुरु दक्षिणा के रूप में उसको चुकाने की तुलना में कोई भी चीज़ नहीं है, समतुल्य कोई भी चीज़ नहीं है राम नाम के पटतरे, राम नाम रूपी बहुमूल्य वस्तु को चुकाने के लिए कोई भी ऐसी मूल्य नहीं है, ऐसा कोई राशि नहीं है जिसको दिया जा सके। किंतु मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूँ, इसकी तुलना में मेरे सामने कोई भी चीज़ नहीं है, तो गुरु की सेवा में क्या वस्तु लेकर जाएं, ये शिष्य मन में संकोच कर रहा है कि गुरु की सेवा में क्या ले गुरु संतोषिए, कि क्या लेने पर गुरु को संतोष हो, कैसे क्या चीज़ दूं जिसे गुरु को संतुष्ट हो जाए, गुरु संतोष प्राप्त करे, तो गुरु की सेवा में ऐसी क्या वस्तु लेकर के जाऊँ जिससे गुरु संतुष्ट हो सके। और ये चिंता शिष्य के मन को व्यथित कर रही है, होंश होंश मैंने एक तरह से चिंता कह सकते हो, संकोच कह सकते हो, ये मन में हमेशा बनी रहती है, व्यथित वो शिष्य रहता है कि क्या ऐसी चीज़ दूँ जिससे गुरु जो है संतोष करे। उसके मन में उल्लास तो बहुत अधिक है कि गुरु को कुछ दूँ, लेकिन गुरु को इस महामंत्र के बदले, जो गुरु ने राम नाम रूपी महामंत्र दिया, इसके बदले में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके बराबर हो सके, इनकी बराबरी कर सके, तो सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी ये सोचता रहता है कि सब नगण्य है, ये संकोच भाव उसके मन में हमेशा बना ही रहता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने ये पद की ये बात कही है, बहुत सुंदर बात कही गुरु की महिमा के लिए, तो शिष्य को हमेशा संकोच ही रहता है कि क्या ऐसा दूँ जिससे गुरु संतुष्ट हो जाए। राम नाम के जो बहुमूल्य मंत्र उन्होंने दिया है, अमूल्य मंत्र दिया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विशेष वाले पॉइंट में कर लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, गुरु द्वारा दिया गया राम नाम के स्मरण का मंत्र इतना महान माना गया है, गुरु ने जो राम नाम की महिमा का जो मंत्र दिया वो इतना महान है कि उसकी तुलना में संसार की कोई वस्तु नहीं है, उसकी तुलना के संसार की कोई वस्तु से नहीं की जा सकती। आप ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि गुरु का जो गुरु मंत्र है वो अमूल्य गुरु मंत्र देने से गुरु भी कितने महान हैं, जिसके प्रति जो शिष्य है वो अत्यंत कृतज्ञ होने का भाव भी यहाँ पर शिष्य द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि गुरु ने राम नाम की महिमा का जो अमूल्य मंत्र दिया है तो गुरु भी कितने महान है, और उसकी महानता से शिष्य भी जो है कृतज्ञ हो रहे हैं, तो शिष्य की कृतज्ञता का भाव भी यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिख सकते हैं विशेष वाले पॉइंट में, ठीक है। और आगे के बारे पद है वो पढ़ते हैं हम, कि सतगुरु साचा सूरिवा शब्द जुबाया एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजा छेक। सो सतगुरु साचा सूरवा, सूरवा का मतलब होता है सूरवीर, धनुर्धर, सूरवीर या धनुर्धर कह सकते हैं। शब्द जुबाया, शब्द रूपी बाण, ज्ञान रूपी, ज्ञान का शब्द, ज्ञान शब्द रूपी बाण, बाया एक, बाया एक मैंने भेदन किया, या इसको बाया एक मैंने फेंका, शब्द जो बाया एक, साचा, साचा मैंने सच्चा, सतगुरु सच्चे सूरवीर हैं, जो शब्द जो बाया एक, ये शब्द रूपी बाण उन्होंने मारा है, कौन सा बाण है, शब्द रूपी बाण, वो भी कौन सा, ज्ञान के, ज्ञान का शब्द रूपी बाण। तो लागत ही मैं मिल गया, मैं मैंने अहंकार, घमंड, अहंकार, मैं अहंकार, लागत मैंने लगते ही, जैसे शिष्य को, साधक को वह बाण लगा है, तो लागत ही में मिल गया, अहंकार मिल गया, और पड़ा कलेजा छेक, और उसका कलेजा है वो छेक, छेक कलेजा है वो पूरी तरह से विदीर्ण हो गया है, उसमें दूरी हो गई है, छेद हो गया है, छेद या दूरी हो गई है, इसका अर्थ हो गया, उसका हृदय में छेद हो गया है, अर्थात उसको ज्ञान हो गया है। अब देखिए इसका अर्थ, सतगुरु साचा सूरिवा, प्रसंग आप लिख देंगे, कबीरदास जी द्वारा रचित साखी गुरुदेव के अंग से उद्गृत है, और इसमें इस साखी में कबीरदास जी ने जो है गुरु की महिमा का, और उसकी इस साखी में जो सत्य जो उपदेश है उसको ज्ञानोपदेश का प्रभाव बताया है, कि किस प्रकार से शिष्य पर उसके गुरु के ज्ञान का उपदेश का प्रभाव पड़ता है। सतगुरु साचा सूरिवा, कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु है, सदगुरु है
जो सदगुरु है वो सच्चे सूरवीर होते हैं। सदगुरु क्या है? सच्चा सूरवीर है, धनुर्धर है। जिस प्रकार से सच्चा जो सूरवीर होता है वो एक ही बाण से किसी सामने वाले शत्रु का काम तमाम कर सकता है, उसी प्रकार से गुरु भी एक शब्द रूपी ज्ञान का एक बाण शिष्य की भीतर इस प्रकार से प्रभाव कर देता है कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है, उसके उसके भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, लागत ही में मिल गया। जैसे ही वो बाण लगा, ज्ञान उपदेश रूपी शब्द रूपी बाण, तो उसके लगते ही मैं मिल गया, मैंने अहंकार नष्ट हो गया साधक का, शिष्य का। तो यही कारण है गुरु के एक शब्द का इतना व्यापक प्रभाव माना जाता है कि साधक के हृदय में एक शब्द रूपी बाण से लगते ही अहंकार विदीर्ण हो जाता है, विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और चित्त पर या मन पर शब्द रूपी बाण है वो अपना व्यापक प्रभाव डाल देता है, और फिर वह जो बाण है वो हमेशा उसके, वो जो शब्द रूपी बाण है वो हमेशा उसके जो छेद कर दिया है उसने, ऐसे वह फिर उस सांसारिक विषय वासनाओं से पूर्णतः मुक्त रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये इसका अर्थ हुआ पड़ा कलेजा छेद, यानी उसका कलेजा वो उसमें छेद हो गया है, अब उसमें विषय आसक्ति रूपी किसी प्रकार की चीज़ उसमें नहीं आ सकती, उसको ज्ञान हो गया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों तो लिखना, यहाँ गुरु को धनुर्धर के रूप में जो है व्यक्त किया गया है या देखा गया है। जिसके पास अचूक निशाना होता है ऐसा धनुर्धर, जिसके पास अचूक निशाना है और वह जहाँ चाहे वहाँ पर निशाना साध सकता है, तो गुरु है, सतगुरु है, वो अपने शिष्य के ऊपर अपने ज्ञान शब्द रूपी बाण है वो मारते हैं, जिससे उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, शिष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं, अनुप्रास रूपक रूप का अतिशय के अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार अनुप्रास अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति में भी रूप का अतिशोक्ति अलंकार है, जो अतिशोक्ति के हमने भेद पढ़े, रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ रूपक उपमा अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़ंते, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते आदो बरंते। माया दीपक नरे पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरंत। रे कबीरा एक आद उबरंत। तो यहाँ कबीरदास जी ने माया को क्या माना है, दीपक के समान, माया रूपी दीपक है, ये माया रूपी दीपक है, और इसमें ये जो पतंगा है ये नर रूपी यानी मनुष्य रूपी क्या है, पतंगा यानी कीट पतंग। जैसे ही आग जलती है तो छोटे छोटे कीड़े आसपास आकर के दीपक के चारों ओर मंडराने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात कही है, यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरुदेव के अंग से साखी है वो ली है, और इसमें सांसारिक माया मोह से वह दूर रहने की बात कही है, सांसारिक मोह माया से मुक्त रहने की, मुक्त रहने का उपदेश है गुरुदेव जो द्वारा है वो दिया गया है, और गुरु का उपदेश से ही सांसारिक माया से दूर हो सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक के लिए नर रूपी पतंग पतंगा रूप है, इसमें बताया है कि माया रूपी दीपक के लिए नर पतंगा रूप है, या नर को पतंग रूप में कीड़े मकोड़े के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। माया रूपी तो दीपक है और नर रूपी पतंगा है, कीड़ा है, और भ्रमी भ्रमी भी ये पड़े, भ्रमी भ्रमी मैंने चक्कर चक्कर काट काट के भ्रमित होकर के, भ्रमित होकर के या चक्कर लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए, इवें इवें मैंने इसमें, पड़ंत मैंने पड़ता है वो घूम घूम करके, और अंत में इसी आग में गिर करके जल जाता है, मर जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीरदास जी कहते हैं, कहे मैंने कहते हैं, कौन कबीरदास जी, गुरु ज्ञान ते मैंने गुरु जी के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान थे मैंने से, गुरु के ज्ञान थे का अर्थ होता है से, गुरु के ज्ञान से एक आध उम्रंत, एक आधा ही बचता है, किससे बचता है, माया मोह आसक्ति से बचता है, माया मोह आसक्ति सांसारिक विषय आसक्ति से एक आधा ही बचता है, उसकी रक्षा होती है केवल गुरु के ज्ञान से ही केवल बचता है, बाकी तो सभी साधारण मनुष्य हम
इस माया मोह विषयाशक्ति में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इसी में ही डूब जाते हैं। माया रूपी दीपक में ये नर रूपी कीड़ा इसी प्रकार से जल करके भस्म हो जाता है, यानी पूरा जीवन चक्कर व्यतीत कर देता है और यूं ही चला जाता है संसार में। परमात्मा का नाम है वो नहीं ले पाता, मोक्ष की प्राप्ति वो नहीं कर पाता। तो माया रूपी दीपक जो मानव है घूम घूम करके अर्थात अनेक जो योनियों में भटकता है, भटकता हुआ अज्ञान में भूला हुआ रहता है और इसी प्रकार से आग में, माया रूपी आग में जलता रहता है। अनेक प्रकार के जन्म उसको मिलते हैं, अनेक प्रकार की योनियों में वह घूमता है और इस प्रकार से भटकते अज्ञान के कारण वह भूलता रहता है और वह इसी माया में, इसी माया रूपी आग में जलता रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो बरंत। कबीरदास जी कहते केवल एक गुरुदेव के, गुरु के ज्ञान से ही, गुरु द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से ही। पता है प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी गुरु का नाम रामदास जी रामानंद जी था, ठीक है। गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। और गुरु का महत्व कबीरदास जी ने सबसे ऊंचा माना है। आपने ये साखी भी पढ़ी होगी, गुरु गोविंद दोऊं खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपरी जो गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना है। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा कबीरदास जी ने बताई है, बहुत बड़ी महिमा बताई है। भगवान से भी बड़े गुरु माने गए हैं, सदगुरु माने गए हैं। तो देखिए आगे कहते हैं कि केवल गुरु के द्वारा ज्ञान से ही कोई एक आधा ही से माया मोह रूपी विषय आसक्ति रूपी आग से बच सकता है। तो विशेष वाले अलंकार में आप लिख देना, विशेष में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है यहाँ माया को दीपक और मनुष्य को पतंगे के रूप में उपित करके परंपरित रूपक अलंकार यहाँ पर आया है, क्योंकि एक के ऊपर एक आश्रित है। ये हमने उसमें अलंकारों में भी पढ़ा था, परंपरित रूपक है माया को दीपक मान करके और मनुष्य को, नर को जो है कीट पतंगा पतंगा मान करके यहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित है। अगर माया को दीपक नहीं मानेंगे तो नर रूपी कीड़ा जो है, नर को भी कीट पतंग नहीं माना जाएगा या ये जो है विना नष्ट नहीं होगा। तो एक दूसरे पर आश्रित होने का परंपरित रूपक है, यानी रूपक अलंकार है, रूपमग में भी परंपरित रूपक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ब्रह्मी ब्रह्मी में दोनों अर्थ एक साथ ही प्रयोग है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बड़ी गूढ़ता इससे इस अर्थ में बन जाती है। और प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर नर शब्द का प्रयोग जीव मात्र के लिए, नर शब्द किसके लिए कहा है? पूरा संपूर्ण जो जीव मात्र है उसके लिए नर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो अंत में एक और देख लीजिए कि थापणि पाई तिथि बई सदगुरु दीनी धीर कबीर हीरा बने जिया मान सरोवर तीर, कबीरा मान सरोवर तीर। प्यारे विद्यार्थियों इस पद में देखिए थापणि पाई तिथि बई सदगुरु दीनी धीर और कबीर हीरा बण जिया मान सरोवर तीर। प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी कबीरदास जी के प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत साखी कबीरदास जी के गुरुदेव के अंग से उद्गृत है और यहाँ भी गुरु की महिमा को बताते हुए कबीरदास जी ने गुरु को माया और संशय से, माया और भ्रम के प्रभाव को विफल करने वाला बताया है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की ज्ञान से ही व्यक्ति माया से दूर रह सकता है। अब देखो थापणी पाई, थापणी मने स्वरूप या प्रतिष्ठा, थापणी मैंने स्थापित करना या अपने स्वरूप में अवस्थित होना, प्रतिष्ठित होना, इसको क्या कहेंगे? प्रतिष्ठा। स्वरूप थापणी, पाई मैंने पाकर के, तिथि भई यानी स्थापित होना, थापणी पाई तिथि भई अर्थात तिथि का अर्थ होता है स्थित होना, उपदेश को सुनना, स्थित होना, भाई मैंने होना। सतगुरु दीनी धीर, धैर्य धीरज सहारा। कबीर हीरा बणजिया, कबीरदास ने हीरा बणजिया मैंने व्यापार किया है, व्यापारी है। कौन सा? हीरे का। हीरा यानी परमात्मा स्वरूप का, आत्मा स्वरूप का। और मान सरोवर के तीर, मान सरोवर के तट पर, तीर मैंने तट पर, मान सरोवर के तट पर। अभी देखा इसका अर्थ देखते हैं। अब इसका कबीरदास जी कहते हैं
कि गुरु के स्वरूप का जो है स्वरूप प्रतिष्ठा का उपदेश सुनने पर, गुरु के स्वरूप की प्रतिष्ठा को सुनने पर थापणी पाई थिति भई, यानी गुरु के स्वरूप की प्रतिष्ठा का उपदेश सुनने पर साधक अपने आप में क्या हो गया, अपने ही स्वरूप में आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, स्थित हो गया। गुरु ने जब शिष्य को ज्ञान दिया अपने स्वरूप में स्थित होने का, अपने आत्मा के ज्ञान का, आत्मज्ञान का जब ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो शिष्य उसको सुन करके थापणी पाई थिति भई मैंने अपने ही स्वरूप में स्थित हो गया। और सतगुरु ने फिर इसके लिए धैर्य भी बंधाया, सतगुरु दीनी धीर, सतगुरु ने इस कार्य के लिए, क्योंकि गुरु साधक को अपने स्वरूप में यानी अपने आत्मा में ही परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराने का जो ज्ञान दिया स्थापित करने का, तो उसमें गुरुदेव ने उस शिष्य को धैर्य भी बंधाया, सहारा भी दिया। तो निष्ठा और अधिक ज़्यादा परिपक्व हो गई, तो शिष्य की और अधिक निष्ठा मजबूत हो गई गुरु के प्रति। और कबीर हीरा बणजियार मानसरोवर के तीर, कबीरदास जी कहते हैं कि जब आत्म अनुभूति हो जाती है, स्वयं में ही परमात्मा के साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का स्वयं में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तो ऐसे अनुभूति जन्य विश्वास से मानसरोवर के तट पर, कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर के तट पर हीरे का व्यापार करने लगा है। हीरे का व्यापार, अब हीरा क्या है, ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। हीरा क्या है, हीरा, हीरा है परमात्मा रूपी परम ब्रह्म रूपी हीरा, परम ब्रह्म रूपी क्या है, हीरा, और परम ब्रह्म रूपी हीरा है उसका प्रतीक है। तो मानसरोवर क्या है, ब्रह्मांड का प्रतीक है। मानसरोवर जो है पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, ब्रह्मांड का प्रतीक मानसरोवर है, इस प्रकार से बताया है यहाँ पर। इस प्रकार से कबीरदास जी ब्रह्मानंद में लीन होकर के बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपने सुख के आनंद की स्थिति का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। बड़े आनंदित हो रहे हैं ब्रह्म आनंद में, ब्रह्म से जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मा स्वान आत्म रूप में स्थित होने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, और वह व्यक्ति शुद्ध चैतन्य के आनंद रूप समुद्र में वह निमग्न होकर के बड़े ही पूर्णानंद को प्राप्ति करते हैं। अर्थात मानसरोवर में, मानसरोवर रूपी इस ब्रह्मांड में जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि वह साधक हीरे का, या मैं स्वयं ही हीरे का व्यापार करता हूँ, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता हूँ, साक्षात्कार करता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से अनुभूति यहाँ पर हुई है। कबीरदास जी को ये बात कही है कि चैतन्य स्वरूप हो जाता है व्यक्ति, जब आत्मानुभूति हो जाती है तब शुद्ध चैतन्य स्वरूप होकर के उस आनंद रूपी समुद्र, उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो आनंद रूपी जो समुद्र है उसमें निमग्न होकर के पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिखना, ये हीरे का व्यापार करना, हीरा खरीदना, ये शब्द देखो ये आपके साधु संतों की पदों में आपको जरूर मिलेगा। हीरे का व्यापार करना, हीरे का खरीदना, ये ब्रह्मानंद की उपलब्धि है। हीरा खरीदने का मतलब क्या हो गया, हीरा सबसे कीमती है, तो यहाँ हीरा किसको कहा है, परम ब्रह्म परमात्मा को, तो उसको खरीदना, उसका व्यापार करना, उसको लेना, इसका मतलब क्या हो गया, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। जब व्यक्ति उस हीरे को प्राप्त कर लेता है, किस हीरे को, परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होना, उस हीरे की प्राप्ति है। और कौन सा हीरा, परम ब्रह्म परमात्मा रूपी हीरा जब प्राप्त हो जाता है, जब आत्मानुभूति हो जाती है, तब पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मानंद की प्राप्ति उसको हो जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से यह हीरा खरीदना, हीरे का व्यापार करना क्या है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। सिद्ध सामंतों, सिद्ध संप्रदाय में भी हीरा परमानंद का अर्थ देता है। सिद्ध संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, ये संप्रदाय है, इनके भी जो है कवि हुए हैं, तो सिद्ध संप्रदाय जो है 84 जे माने जाते हैं संख्या में, तो वो हीरे शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हीरा मिल गया इसका मतलब परम आनंद, परमात्मा ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो गई। प्रतीकात्मक और परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। रूपक अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास, अतिशोक्ति, रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये गुरुदेव के अंग से जो 5 शाखियाँ हैं इसके अर्थ को आपको समझ में आया होगा, अर्थ को।
ठीक से ग्रहण करना, ठीक है, और फिर पुनः इस वीडियो को देखते हुए इसके नोट्स से बनाने हैं आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कबीरदास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के, आगे की साखियों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए गुरुदेव के अंग में जो 5 साखियां हैं, इनके अर्थ को ठीक प्रकार से, परीक्षा में बहुत उपयोगी है। ये परीक्षा में कई बार आते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत वाला, सतगुरु सांचा सुरवा, ये लगातार ही आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थी। तो इसकी व्याख्या को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इन शब्दार्थों को आप जरूर किताब में लिखना, समझना। समझना व्याख्या को रटना नहीं है, व्याख्या को क्या करना है उसके भाव को समझना आपको अत्यंत जरूरी है। कठिन शब्दार्थ आप ग्रहण करेंगे तो आप स्वतः ही इसकी व्याख्या कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, विशेष वाला पॉइंट आपको ठीक प्रकार से लिखना होता है। इसमें भाषा आती है, अलंकार आते हैं, छंद क्या है, ये चीज़ें लिखनी होती है, और मूल किस भाव से रूप में किया गया है, तो ये बात विशेष वाले पॉइंट में लिखनी होती है। तो ये आप लिख देना और समझ लेना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।